जिस माहौल में हमें सजाएं पे सजाएं दी जा रही हैं, ये बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है के, और जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन सरकार, और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। जिस मुकदमे में हमें सजा दी गई है उसमें भी हमने कितने सारे एविडेंस मौजूद हैं, यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, सरकारी नौकर थी, मेरी मैटरनिटी लीव मौजूद है जिसे कि नज़रअंदाज किया गया, और इसके अलावा वीडियो एविडेंस भी है, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, जिसमें 2 महीने का अब्दुल्ला 1990 में मेरी गोद में है, वो सब कोर्ट में दिखाए गए, मगर कोर्ट ने इन सब चीज़ों का कोई संज्ञान नहीं लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि इस बारे में अगर आपको तफसील देखनी है तो 16 अप्रैल के अखबार में 21 सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डाला जाता है और जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है इस तरह के फैसलों से जनता का एतमाद पब्लिक में, जनता का एतमाद जो है वो कम होता है न्यायपालिका में। 7 महीने आप जेल में रहे, 8-7 महीने जेल में रहे, कितने लगे परेशानियां जेल के अंदर? जी 7 महीने आप जेल के अंदर रही, उसके बाद किस तरह की परेशानियां जेल के अंदर आई, कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 8 महीने जब इंसाफ ही नहीं मिला तो दिक्कतों का क्या है, कितनी दिक्कतें रास्ते में आए, हम तो लड़ ही रहे हैं। 8 महीने जेल में है, जमानत होगी, लेकिन अभी और मामलों में आज भी एक मामला है जिसमें उनको आरोप तय हो गया। जी क्या कह सकते हैं, आरोप पर आरोप तय कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डोंगरपुर वाले जो मुकदमों में उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, तो यह सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन खाली करवाना अगर अपराध है तो कोई बात नहीं है, सरकारी जमीन थी, सरकारी पैसे से बने थे, सरकारी लोगों ने बनाए थे, और तो इसमें आजम साहब का तो कोई रोल ही नहीं था। 2024 के चुनाव को किस रूप में देखती है इंडिया गठबंधन जो है वो बराबर कह रहा है कि संविधान बदल देगी सरकार आएगी? देखिए ये एक तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाना ही है, संविधान में एक निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी, लेकिन न्यायपालिका जो है जाहिर है कि वो निष्पक्ष नहीं है, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव पड़ रहे हैं, न्यायपालिका दबावों के अधीन काम कर रही है, तो ये एक तरह से संविधान को ही कमजोर कर, न्यायपालिका कमजोर होगी तो हमारा संविधान भी कमजोर होगा।